क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 2015 में चार नंबर का हुआ है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। देख बताऊंगा गलती कहां होगी और किस तरह से गलती हुई। वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है फिर करते हैं। One card is drawn at random from the pack of 52 playing cards. Find the probability that the drawn card is a card of spade or an ace. तो देखो ध्यान से यहां पे हमें पहला ए पार्ट तो हमें पता है टोटल कार्ड कितने हैं। टोटल कार्ड कितने लिख दिए टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। ये मैंने ट्रिक बना दी आपको समझने के लिए। हमेशा तक याद रखना आप भी जान ऐसे बता देना कभी गलती नहीं होगी। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे सारे आंसर सही आएंगे। अब देखो ध्यान से 52 कार्ड में से 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड होते हैं फिर उसमें भी 13 ब्लैक ये इसके होते हैं क्या बोलते हैं स्पेड के और 13 ब्लैक किसके होते हैं क्लब के। उसी तरीके से 13 रेड किसके होते हैं डायमंड के और 13 रेड किसके होते हैं हार्ट के। ये मैंने समझा दिया आपको ठीक है अच्छे से समझना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस मतलब एक कार्ड निकाल रहा है तो फेवरेबल के देखो इसमें आप गलती क्या करोगे फेवरेबल केस ठीक है फेवरेबल केस। अब ध्यान देना अ कार्ड ऑफ स्पेड स्पेड के कार्ड कितने हैं 13 ठीक है इसको स्पेड बोलते हैं। स्पेड के कार्ड कितने हैं 13 ठीक है 13 हो गए और स्पेड भी हो और एस भी हो और एस कितने होते हैं 4 एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो टोटल स्पेड कितने होंगे 4। अब देखो आप गलती क्या करोगे ध्यान से अब जब आपने यहां से एस निकाल दिए चार एस निकाल दिए तो स्पेड जब आपने निकाला ये स्पेड तो उसमें भी तो एक एस होगा तो आप क्या गलती करोगे कि आप इधर भी काउंट ही नहीं करोगे इसको आपने क्या लिखा 13 + 4 = 17 होगा आंसर निकाल दोगे। तो जब हमने एस काउंट किया तो एक एस इसमें भी तो होगा फिर ये चार एस क्यों होंगे तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे पास 16। ये याद रखना ये गलती होती है आपसे आई बात समझ में। अब तो बस अपना इतना करके आंसर आए टोटल कार्ड इतने फेवरेबल के कार्ड इतने तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस ठीक है टोटल केस। तो अब फेवरेबल केस कितने हैं देखो फेवरेबल केस कितने हो गए मेरे पास 16 और टोटल केस कितने हैं 52 तो ये 4 से कट जाएगा तो 4 4 4 13 यही मेरा आंसर है ए पार्ट का। क्लियर है यहाँ तक देखो कितनी आसानी से कर लिया मैंने आंसर आ गया आपका यहाँ तक कोई समस्या। अब आ जाओ अगले पार्ट ठीक है अगला पार्ट देखते हैं। अब दूसरा क्या पूछ रहा है अ ब्लैक किंग सिंपल सा ये तो बहुत सिंपल सा है। ब्लैक किंग कितने होंगे एक इधर एक किंग दो किंग तीन किंग चार किंग तो चार ब्लैक वो ब्लैक किंग की बात कर रहा है चार किंग होते हैं चार में से दो रेड होंगे दो ब्लैक होंगे आई बात समझ में। तो हमें सिर्फ ब्लैक किंग पता करना है तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने होंगे भाई चार तो टोटल होते हैं तो चार में से दो रेड होते हैं तो उस दो रेड को माइनस कर देंगे तो आर फेवरेबल केस कितना हो जाएगा दो यही तो दो ब्लैक किंग होंगे। अब हमारे पास ये पता चल गया तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस तो फेवरेबल केस कितने हैं 2 कितने में से 52 में से तो आंसर क्या जाएगा 1/26 सर टू क्यों दिया क्योंकि सिर्फ मुझे ब्लैक किंग मान कर रहा है अगर वही सी बोलता अब किंग तो यहाँ पे चार हो जाता तो यहाँ पे गलती मत करना ध्यान से अच्छे से समझना जितना मैंने समझाया इरेज कर दो ये पार्ट समझ में आया यहाँ पर। अब सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट क्या कहना है ठीक है अब सी पार्ट क्या कहना है ध्यान से देखते हैं ठीक है नाइदर अ जैक नोर अ किंग मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ठीक है वो ना तो जैक हो और ना ही किंग तो हम क्या करेंगे भाई फेवरेबल केस कितने होंगे 52 और 52 में से ना तो वो जैक तो जैक को कितने जैक होते हैं चार तो एक माइनस कर देंगे और किंग कितने होते हैं वो भी चार होते हैं तो एक और चार माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 52 - 8 = 44 तो यही तो मेरे रिमेनिंग कार्ड होंगे कितने में से 52 में से तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस तो देखो ध्यान से फेवरेबल केस कितने हो गए 44 और टोटल कितने हो गए 52 तो इसको काट लो कितने 4 से तो 4 11 जा और 4 13 जा यही मेरा आंसर है। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब एक पार्ट बच गया कौन सा आइदर अ किंग और अ क्वीन अब इसको देखते क्या करते कैसे करते हैं तो अब देखो ध्यान से नाइदर नोर आइदर नोर में हमेशा बच्चों को दिक्कत होती है आइदर अ किंग या तो वो किंग हो और क्वीन हो तो हमें पता है किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन भी कितनी होती है
वो भी 4 होती है, तो फेवरेबल केस टोटल कितने हो गए 8। आई बात समझ में? ये मैंने कैसे किया आपको समझ में आ गया? तो अब हमारे टोटल केस 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरा? फेवरेबल केस कितने हैं 8 और टोटल केस कितने हैं 52, तो इसको मैंने किससे काट दिया 4 से, तो 4 किया और इसको काटा तो 13 दिया, तो यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। कार्ड ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं कार्ड के 5 क्वेश्चन करा चुका हूं और टोटल 27 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करा चुका हूं। सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और डाइट के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए जो 10th की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।